गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में और बात करूंगी कर्नाटक में चल रहे सियासी नाटक को लेकर। जी हां, जिस तरह से 16 विधायक बागी हो गए हैं और जिसमें से 10 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि उनके इस्तीफे को तुरंत स्वीकार करवाया जाए विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार की तरफ से, लेकिन अब इस पर स्पीकर का ये वक्तव्य सामने आया है कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, उनकी अंतरात्मा जो कहेगी वही वो करेंगे और वो कोई बिजली नहीं है कि बिजली की गति से काम करने लग जाएंगे। तो ऐसे में अब जो बागी विधायक है उनका ये साफ साफ कहना है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं के आर रमेश कुमार, वो दबाव में उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसी पर उनका ये बयान सामने आया और अब पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और 16 में से 10 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसी बीच आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि बेंगलुरु पहुँचे थे विधायक लेकिन अब वापस मुंबई आ गए हैं। अब ऐसे में जो घटनाक्रम चल रहा है उसी बीच अब बीजेपी भी जो है चौका मारने की तैयारी कर रही है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से JDS के मुखिया जो कुमारस्वामी है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसा उनका बयान सामने आया है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या वहाँ पर बीजेपी और JDS के गठबंधन की सरकार बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है अब उसके जो विधायक है, क्योंकि जो 16 बागी विधायक है उसमें अधिकतर संख्या कांग्रेस के विधायकों की है। तो ऐसे में कुल मिलाकर हो सकता है कि आने वाले वक्त में या कुछ ही दिन में या कुछ ही घंटों में ऐसा हो जाए कि शायद कुमारस्वामी ये कह दें कि अब शायद उन्हें नहीं रहना है कांग्रेस के साथ गठबंधन में। और ऐसे में आपको बता दूं कि बीजेपी ने खुला ऑफर दिया है कुमारस्वामी को कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लें और उनकी तरफ और बीजेपी की तरफ से उनका ही नाम मुख्यमंत्री के लिए पेश किया जाएगा। हालांकि बीजेपी को अब येदियुरप्पा से कैसे निपटना होगा ये देखना होगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो खबर आई है वो आप पहले जान लीजिए। इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने JDS के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया है और साथ ही कई भाजपा नेता कांग्रेस के बागी विधायकों को पार्टी में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। यानी कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनाने को लेकर इतनी उत्सुक नज़र आ रही है क्योंकि बीते साल से ही घटनाक्रम चल रहा है, लगभग 14 महीने हुए थे और वहां से फिर से तिकड़मबाजी शुरू हो गई है। इसी बीच अब बीजेपी ये चाहती है कि कैसे भी करके JDS को अपने खेमे में लाया जाए और निस्संदेह अगर बीजेपी ये करने में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी की कर्नाटक में सरकार बन सकती है। और अगर कुमारस्वामी को ये लगा कि अब कांग्रेस का गठबंधन करके उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो गठबंधन तोड़ने का फैसला भी कर सकते हैं। और ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी या फिर जो कांग्रेस को अभी ला रही हैं नेता सोनिया गांधी, उनको जोरदार झटका हो सकता है। वैसे आपको मैं खाका बता दूं कि कांग्रेस विधानसभा की 224 सीटें हैं। अगर इसमें मैं आपको सियासी समीकरण की जानकारी दूं तो इसमें कुल मिलाकर जो JDS का आंकड़ा है वो 237 है, कांग्रेस 68 पर है, बीजेपी 105 पर है। बीते साल जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसकी बात कर रही हूं। अगर इस साल मैं संसदीय सीट की बात करूं तो वहां पर 28 सीटें हैं जिसमें से 25 सीटें बीजेपी के खाते में है और एक सीट कांग्रेस के खाते में है। अब ऐसे में मेजोरिटी में सरकार बनाने के लिए असेंबली में 112 सीटें चाहिए होती हैं, 116 सांसद हैं, माफी चाहूंगी 116 विधायक हैं JDS और कांग्रेस के साथ और इसमें से 2 विधायकों ने जो है अपने हाथ पीछे खींच लिए जो कि निर्दलीय विधायक हैं। अब ऐसे में अगर 16 विधायक जाते हैं, 116 में से अगर 16 विधायक जो है बागी हो गए, अगर वो बीजेपी के साथ मिल जाते हैं तो ऐसे में 100 यानी कि अल्पमत में आ रहे हैं कुमारस्वामी और 105 जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं। अब ऐसे में कुल मिलाकर विधानसभा में अगर संख्या देखी जाए विधायकों की 208 हो जाएगी और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि बीजेपी के पास आसानी से जो 2 निर्दलीय विधायक हैं और अगर वो 16 विधायक और मिल जाते हैं तो सरकार तो बीजेपी बैठे बिठाए बना रही है, फिर क्या कर लेंगे कुमारस्वामी, क्या कर लेगी कांग्रेस। और इसी बीच जो वहां पर कांग्रेस जो स्पीकर को लेकर गेम खेल रही है, जो उनके स्पीकर हैं विधानसभा में KR रमेश कुमार, अब वो अंतरात्मा की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस के पाले में अभी स्पीकर का वो स्पीकर जो KR रमेश कुमार है वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से मामले को अभी अटका कर रखना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीते कल ही ऑर्डर दिया था कि आप 16 बागी विधायकों से मुलाकात करिए, माफी चाहूंगी 10 बागी विधायकों से मुलाकात करिए और उसके बाद उनका इस्तीफा स्वीकार करिए। लेकिन अब भी जबकि कांग्रेस ने भी कह दिया है कि विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए तो उस पर अब स्पीकर ये कह रहे हैं कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं और जो उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में उसने भी यही लिखा है कि वो अभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकते, उन्हें अभी वक्त चाहिए। अब ऐसे में कुल मिलाकर भले ही JDS के साथ कांग्रेस ने मिलकर सरकार बीते साल बनाई हो लेकिन यहां पर कांग्रेस ने बड़ा गेम ये खेला कि अपना स्पीकर जो है अपनी पार्टी का बनवा दिया। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि कुल मिलाकर कांग्रेस के जो खाते में है कहीं ना कहीं पाले में गेंद है, लेकिन कुल मिलाकर KR रमेश कुमार भी बहुत अहम भूमिका निभा रहे क्योंकि जो बागी विधायक है वो साफ साफ स्पीकर को ही लपेटे में ले रहे हैं कि भाई ये हमारा इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इनकी गलती है। सुप्रीम कोर्ट भी अब इस पूरे मामले में आकर
फंस गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, अब ये देखना होगा इस मसले का निवारण सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होता है या फिर इसका कोई और रास्ता निकलता है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के हाथों में कहीं ना कहीं लड्डू हैं, बीजेपी की दसों की दसों उंगलियां घी में हैं, क्योंकि कुल मिलाकर अब बीजेपी की सरकार बनती भी कर्नाटक में नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर कोई बड़ा गेम अमित शाह ने खेल दिया तो निस्संदेह बीते साल तो शायद बीजेपी की सरकार बनते बनते रह गई थी। हालांकि येदियुरप्पा शपथ ले चुके थे बीते साल जब कर्नाटक असेंबली के रिजल्ट सामने आए थे, लेकिन उसके बाद जो वहां पर हमने बवाल देखा था फिर कांग्रेस जेडीएस की जो गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन अब 16 विधायक बागी हो रहे हैं और कांग्रेस के विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2 निर्दलीय विधायक पहले ही अपना इस्तीफा देकर बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। यानी कुल मिलाकर अब जेडीएस मुखिया कुमार स्वामी को तो ऑफर दिया है बीजेपी ने, अब देखना यह है कि क्या स्वीकार करते हैं। और जिस तरह की स्थिति बन रही है लग तो रहा है कि कुमार स्वामी इस्तीफा ऑफर स्वीकार कर सकते हैं और ऐसे में कांग्रेस उनका गठबंधन अब ब्रेक हो सकता है। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी अपने अंदर जो अंतर कलह पैदा हो रही है पार्टी के अंदर उससे कैसे निपटती है। नमस्कार।